ब्राह्मण लोग अनसिविलाइज लोग है, ब्राह्मण लोग जंगली लोग है, उनके पास कौन सी सभ्यता है? राज्याभिषेक पद्धति भी बुद्धिस्टों की परंपरा से है। चित्पावन ब्राह्मणों का जो हैप्लोग्रुप चेक किया गया तो ये चित्पावन ब्राह्मणों का डीएनए वेस्ट यूरेशिया से पाया गया, जिसका नाम R1A1 है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास 1% भी बाहर नहीं आया है, ओरिजिनल इतिहास लंदन की लाइब्रेरी में है। मराठाओं का प्राचीन नाम मराठा नहीं था, उनका प्राचीन नाम कुटुम्बिनी था, यानी कुर्मी था, और महार लोगों का नाम परवारी था। 1674 में 24 सितंबर तारीख थी और छत्रपति शिवाजी महाराज ने बौद्ध धर्म की जो शाक्त पद्धति है उससे राज्याभिषेक किया था। भारत में और महाराष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण इतिहासकार है वो लोग इस दूसरे शाक्त राज्याभिषेक के बारे में कुछ भी नहीं लिखते हैं, वो उस बारे में चुप रहते हैं। तो आज का ऐतिहासिक दिन यहाँ कार्यक्रम केडर कैंप चल रहा है, अगर ये केडर कैंप नहीं होता तो हम महाराष्ट्र में शाक्त राज्याभिषेक दिन मना रहे होते। तो मैंने मेश्राम साहब को विनती किया कि ये जो शाक्त राज्याभिषेक दिन 24 सितंबर को है तो ये जो किताब का प्रकाशन है ये महाराष्ट्र में करने की बजाय हम नेपाल में काठ लुम्बिनी में करेंगे। और हमारे शाक्य साहब बता रहे थे कि वज्रयानी परंपरा, शाक्त परंपरा, ये नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जिस देवता को अपनी कुल देवता मानते थे उस देवता का नाम भवानी देवता है, और भवानी देवता जैसे महाराष्ट्र के नॉन ब्राह्मण लोगों की, बहुजन लोगों की कुल देवता है, उसी तरह राजस्थान के क्षत्रियों की भी कुल देवता है। उसी तरह काठमांडू में तलेजु भवानी नाम से वही उसी भवानी देवता की पूजा नेपाल में होती है, और जिस कुमारी देवी की पूजा काठमांडू में बड़े सम्मान के साथ की जाती है जिसका जिक्र शाक्य साहब ने किया, वही महामाता है, वही महामाया है। और महामाया को ही महाराष्ट्र में अंबा, जगदम्बा या तुलजा भवानी के नाम से कहा जाता है। तो इस आधार पर नेपाल और भारत का कल्चर एक जैसा क्यों लगता है? क्योंकि दोनों में शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध ये आदर्श है। हमने केवल मराठाओं को ध्यान में रखकर ये इतिहास ढूंढने का प्रयास नहीं किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं सदी के ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने बुद्धिस्ट परंपरा को जिंदा रखने का प्रयास किया। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज कुर्मी समुदाय के हैं जिसको महाराष्ट्र में मराठा कहते, और महाराष्ट्र के मराठा लोग कुर्मी पहचान के लिए लड़ रहे, जरिया रिजर्वेशन है मगर कुर्मी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, और कुर्मी ऑल इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का कनेक्शन बुद्धिस्ट परंपरा से है तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों ने, खासकर कि आरएसएस ने, बीजेपी के लोगों ने जो फेक राष्ट्रवाद, काल्पनिक राष्ट्रवाद हिंदू या हिंदुत्व के नाम पर प्रचार में लाया, वो ब्राह्मण लोग इसके पीछे जानते हैं कि शिवाजी महाराज का कनेक्शन किसके साथ है। हम लोग इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ऑल इंडिया में हिंदू हिंदुत्व का प्रचार किया तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मण लोगों की वो आदर्श है। अगर हिंदुत्व के प्रचार के लिए शिवाजी महाराज का ऑल इंडिया में प्रचार किया तो उन्हीं ब्राह्मणों ने 2002 में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ एक किताब लिखी। वो किताब मराठी में नहीं लिखी,
वो किताब अंग्रेजी में लिखी और छत्रपति शिवाजी महाराज की कितने लेवल पर बदनामी किया, इतने लेवल पर बदनामी किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप शाहजी भोसले न दिखाकर, उनके जो ओरिजिनल पिता है उनको उनका पिता न दिखाकर दादू कोंडदेव नामक ब्राह्मण को बायोलॉजिकल फादर घोषित किया। इसका क्या संदेश जाता है? जो ब्राह्मण लोग शिवाजी महाराज को आदर्श प्रस्तुत करके हिंदू और हिंदुत्व का प्रचार कर रहे थे, उन ब्राह्मण लोगों ने 2002 में किताब के रूप में अपनी असलियत दिखा दी और वो किताब जेम्स लेन नामक एक व्यक्ति ने लिखी जो अमेरिका का था, मगर उसका वास्तविक राइटर पुणे का ब्राह्मण था पुरंदरे, और ये पुरंदरे आरएसएस का फुल टाइमर था एक समय। तो आरएसएस के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप क्यों बदला, ये सवाल हमारे मन में चुभ रहा था। सवाल का जवाब अब हमें मिल गया कि ब्राह्मणों को मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कनेक्शन बुद्धिज्म के साथ है, ये बात उनके मन में खल रही थी, इसी की प्रतिक्रिया में उन्होंने उनका बाप बदला। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे संबंध है, शिवाजी महाराज का बुद्धिज्म के साथ संबंध क्या है? तो पहले नंबर का सबूत है कि वो जिस देवता को अपनी कुल देवता मानते हैं वो भवानी देवता, ये भव सागर पार करने वाली देवता है, ये संसार चक्र से मुक्ति दिलाने वाली देवता है, इसको बुद्धिज्म में प्रज्ञा देवी कहा है, अंग्रेजी में विजडम गॉडेस कहते हैं, अपराजिता देवी कहते हैं, ये प्रज्ञा देवती ही भवानी देवता है, ये पहला सबूत है। नंबर दो का सबूत ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अभिवादन में जिस शब्द का प्रयोग करते थे वो शब्द जोहार शब्द है। जोहार शब्द कौन कौन बोलते हैं? जोहार शब्द जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जोहार शब्द का इस्तेमाल करते थे, आदिवासी लोग भी जोहार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। झारखंड का अगर टीवी चैनल देखोगे तो वो एंकर जोहार से शुरुआत करते हैं, यानी केवल आदिवासी ही नहीं जोहार बोलते हैं, आदिवासी बहुल जो राज्य है वो टीवी चैनल पर आम प्रचलन में जोहार है, और राजपूत लोग भी जोहार शब्द का इस्तेमाल करते थे। जोहार शब्द कहाँ से आया? योद्धार ये शब्द है, योद्धार शब्द का अपभ्रंश जोहार है। जोहार शब्द अपमानजनक नहीं था, जोहार शब्द नाग लोगों का, शासक लोगों का, राजा और प्रजा का अभिवादन का शब्द था। इसका एंशियंट सबूत कहाँ मिलता है? तो अशोका के समय में जो मिशनरीज भेजे गए थे तो इंडिया में जो उनके राज करने वाले लोग थे उन वंश का नाम योद्धे वंश है। योद्धे वंश के लोग जोहार बोलते थे, यानी मौर्य काल तक इसका कनेक्शन मिलता है। दूसरा सबूत यह मिलता है गाथा सप्तशती नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में राजा और प्रजा का अभिवादन का शब्द जोहार है इसका जिक्र मिलता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी जब अपने कार्यकर्ताओं को लेटर लिखते थे महाराष्ट्र में, खासकर की महाराष्ट्र में, तो वो अपने लेटर में जोहार शब्द का जिक्र करते थे और अपने लेटर पैड पर भवानी देवता की प्रतिमा होती थी। यानी दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी अपने पूर्वजों के इतिहास को प्रतीक के तौर पर संगठन में हो, सार्वजनिक जीवन में हो, इसका प्रयोग करते थे। बाबा साहब अंबेडकर मृत्यु के पहले उन्होंने ढेर सारा साहित्य लिखा, मगर एक किताब अभी भी गायब है। उस किताब का टाइटल है पीपल एट बे, यानी समस्या में फंसे हुए लोग। तो उस किताब का अनुक्रमणिका उपलब्ध है, शीर्षक उपलब्ध है, प्रस्तावना के 10 पन्ने उपलब्ध है, मगर किताब गायब है।
उस किताब में बाबा साहब अंबेडकर ने दो सवाल खड़े किए हैं कि महार वहां की एक अनटचेबल कम्युनिटी थी जो आज बुद्धिस्ट है, महार और मराठा शब्द आधुनिक है, और वहां एक लिटरेचर है ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है, उसके ज्ञानेश्वरी में महार शब्द पहली बार मिलता है। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं महार और मराठा शब्द आधुनिक है, प्राचीन शब्द नहीं है। वो पहले कौन थे इसका इतिहास ढूंढा जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो नाग लोग थे, और उन्होंने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि महार लोग भी जोहार करते थे और मराठा लोग भी जोहार करते थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज भी अभिवादन में जोहार बोलते थे। और इसका रिकॉर्ड उन्होंने प्रस्तुत करते हुए कहा कि घोरपड़े नामक एक सरदार को उन्होंने खत लिखा और उस खत में उन्होंने जोहार लिखा है। मगर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि 17वीं शताब्दी तक मराठा लोग जोहार बोलते थे, अब वो राम राम कैसे बोल रहे हैं? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि पेशवा ब्राह्मणों ने उनका जोहार अभिवादन बंद किया और उनको राम राम बोलना सख्ती से लागू कर दिया, मगर अछूत महार लोगों को, मातंग लोगों को जोहार बोलने का अलाउ किया ताकि ये दोनों टूट जाए। बाबा साहब अंबेडकर का ओपिनियन बहुत भिन्न है। वो ओपिनियन आज के इतिहासकारों को भी हजम होगा कि नहीं होगा पता नहीं। उनका कहना ये है, उनके समय में एंथ्रोपोलॉजी विकसित शाखा थी, तो उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र में ऐसा एक भी गांव नहीं मिलता जहां महार लोग रहते हैं और मराठा लोग नहीं रहते, जहां मराठा लोग रहते हैं महार लोग नहीं रहते हैं। ये उनकी खासियत है कि दोनों एक गांव में मिलते। दूसरी खासियत है कि इनके सरनेम एक है। तो इनके सरनेम एक क्यों है? तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने इसके इस मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दिया है, इनके सरनेम क्यों एक है? क्योंकि इनका कुल एक है, इनकी कुल देवता एक है, इनके टोटेम एक है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने इसका कंक्लूड ये किया, इसका निष्कर्ष ये निकाला, जिनका कुल चिन्ह एक है, जिनके कुल एक है, जिनके टोटेम एक है, वो नैसर्गिक रूप से सगे भाई है। बाबा साहब अंबेडकर का ये निष्कर्ष निकला कि महार और मराठा ये भले आज अलग अलग जाति के लोग होंगे, मगर इतिहास में ये दोनों एक ही वंश के लोग थे। इसके लिए उनको उनके पिताजी या उनके पुरखों से रिकॉर्ड मिला, जब महार अनटचेबल कास्ट के लोग मिलिट्री में दाखिल होते थे तो उनके नाम के पीछे परवारी शब्द आया आता था, महार लोगों के नाम के पीछे परवारी शब्द आता था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने पहली सेंचुरी का टोलेमी इसके लिटरेचर का आधार देकर ये बताया, मराठा लोगों का प्राचीन नाम कम से कम 2000 वर्ष पहले का नाम कुटुम्बिनी था। ये कुटुम्बिनी शब्द कुर्मी शब्द आज इस्तेमाल किया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि मराठाओं का प्राचीन नाम मराठा नहीं था, उनका प्राचीन नाम कुटुम्बिनी था यानी कुर्मी था, और महार लोगों का नाम परवारी था। अगर बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं ये वांशिक रूप से एक है तो फिर दो नाम अलग क्यों है? बाबा साहब अंबेडकर कहते इसका संशोधन होना जरूरी है। अब बहुत साधन उपलब्ध आज है, दृष्टिकोण चाहिए, उद्देश्य चाहिए। फर्स्ट सेंचुरी का राजा कनिष्क का अभिलेख मिला है, राजा कनिष्क का, उसके अभिलेख में कुटुम्बिनी शब्द का जिक्र है और उसके अभिलेख में परिवारी शब्द का जिक्र है। राजा कनिष्क 2000 वर्ष पहले हुआ फर्स्ट सेंचुरी में, तो किस संदर्भ में जिक्र है? तो कुटुम्बिनी यानी उपासक, बुद्धिस्ट उपासक। ये किसको डोनेट कर रहे हैं? स्तूपा को डोनेट कर रहे हैं, विहार को डोनेट कर रहे हैं, और विहार का देखभाल, विहार को संभालने का काम कौन कर रहा है? कुटुम्बिनी ही परिवारी से
उपासक लोगों से भिक्षु बनने वाले लोग श्रामनेर बनने वाले लोगों को परिवारी कहा है। इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर ने जो उस समय एनालिसिस किया था कि परिवारी लोग और कुटुम्बिनी लोग एक ही थे, वो कौन लोग थे, वो बुद्धिस्ट लोग थे, नाग लोग थे, और वो लोग प्राचीन भारत में मिलजुल कर प्रचार और प्रसार का काम करते थे। बाबा साहब अंबेडकर का ये निष्कर्ष है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो निष्कर्ष निकाला, जेनेटिक साइंस क्या कह रहा है, क्योंकि ये बात जेनेटिक साइंस से प्रूव करना जरूरी है। जेनेटिक साइंस में 2003 में जुलाई अगस्त में महाराष्ट्र की महिलाओं का माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट किया। महिलाओं का डीएनए नहीं बदलता है, महिलाओं का डीएनए कांस्टेंट है, मगर जो चितपावन ब्राह्मीण महिला है, मराठा महिला है, नवबौद्ध महिला है, सभी का माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए चेक किया गया, तो उसमें मराठा महिलाओं में 68% माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए वेरिएशंस मिले, और नवबौद्ध जो पूर्व में महार थे उनके अंदर 64% मिले। मराठाओं में 68% मिले और नौ बुद्धिस्ट महिलाओं में 64 मिले, यानी उनका माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए ज्यादा क्लोज है। दूसरा 2010 में फ्रांस में पुरुष लोगों का डीएनए के बारे में रिसर्च पब्लिश किया और उसका टाइटल था द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल बैरियर्स इन शेपिंग द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ महाराष्ट्र पॉपुलेशंस। इसके अंदर यह पाया गया कि जो मराठा लोगों में यच पैटर्नल हैप्लो ग्रुप है M69, ये पैतृक हैप्लो ग्रुप है, उसका परसेंटेज 69 मिला और नवबौद्ध लोगों में 43% मिला। जेनेटिक के आधार पर पुरुष लोगों का हैप्लो ग्रुप ज्यादा मैच हुआ, उधर महिलाओं का ज्यादा मैच हुआ, और इन दोनों की तुलना में चितपावन ब्राह्मणों का जो हैप्लो ग्रुप चेक किया गया तो ये चितपावन ब्राह्मणों का डीएनए वेस्ट यूरेशिया से पाया गया जिसका नाम R1A1 है। तो इस आधार पर महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मण 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, वो रूलिंग कर रहा है, और वहां की जो दो कम्युनिटी है ब्राह्मण उसको आपस में भिड़ाकर राज कर रहा है। तो बाबा साहब अंबेडकर उस समय एंथ्रोपोलॉजी से कह रहे थे कि ये दोनों सगे भाई है, मगर डीएनए रिसर्च कह रहा है ये जेनेटिक भाई है, ये अनुवांशिक भाई है। और खुशी की बात है डॉक्टर गिरीश जोशी नामक ब्राह्मण को भी लगा जेनेटिक लेवल पर हम कौन है, चितपावन ब्राह्मण कौन है, तो उसने भी एक रिसर्च पेपर 2018 में पब्लिश किया, द इथनिक ओरिजिन ऑफ कोकनिस्त ब्राह्मण फैक्ट मीथ एंड कॉन्ट्रोवर्सीज। इस संशोधन में जोशी महोदय ने मान्य किया भले ब्राह्मण है, अच्छे ब्राह्मण है, ऐसे भले ब्राह्मण दुर्लभ होते हैं, ऐसे भले अच्छे ब्राह्मण का पैदा होना जरूरी है। वो भले मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने उनके रिसर्च में ऐसा कहा कि चितपावन ब्राह्मण भारतीय नहीं है, वो वेस्ट यूरेशिया से आए हैं और उनके अंदर R1A1 डीएनए मिलते हैं, इसलिए वो भले हुए। ऐसे भले लोगों की जरूरत है वो बताने के लिए। तो जेनेटिक आधार पर भी हमारे ये लोग जो है मूल निवासी सिद्ध होते। तो पहला आधार जोहार, दूसरा आधार भवानी, तीसरा आधार जेनेटिक आधार पर ये मूल निवासी लोग हैं। तो मैं इस मौके पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम महाराष्ट्र में जब जाएंगे तो वहाँ ये जागरण करना जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर बहुत विवाद है। मगर जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ उस राज्याभिषेक के साथ एक संदर्भ है, शाक्य साहब बुद्धिज्म में बोधिसत्व को 10 पारमिताओं से गुजरना पड़ता है, और बुद्धिज्म ही है जिन्होंने महिलाओं का पक्ष भी रखा, खास करके भिक्षु आनंद ने, और भिक्षु आनंद के माध्यम से महिलाएं भी बोधिसत्व बन सकती है,
महिलाएं भी बुद्ध पद को प्राप्त कर सकती है, ऐसा बैटल चला है। इंडस सिविलाइजेशन मातृसत्ता परंपरा का समर्थक था और बुद्ध और आनंद भी महिलाओं को संघ में लेने के लिए, महिलाएं भी बोधिसत्व बन सकती है, इसका समर्थन करते थे। और इन्हीं परंपरा से वज्रयानी परंपरा ने 10 महाविद्याओं का निर्माण किया, 10 पारमिता और 10 महाविद्याएं। और उन 10 महाविद्याओं में भवानी एक महत्वपूर्ण महाविद्या है। और ये वज्रयानी परंपरा इतना प्रसिद्ध परंपरा है, ये 84 सिद्धों की परंपरा पूरे भारत भर में, नेपाल में गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ फेमस है। और ये अवलोकितेश्वर है, यानी इनका कनेक्शन बुद्धिज्म के साथ है। और आपने जो सवाल खड़ा किया है योगी आदित्यनाथ, ये वहाँ उस पीठ के प्रमुख जरूर है, मगर उन्होंने अपनी विचारधारा त्याग दी है और वो ब्राह्मणवादी लोगों के पीछे लग्गू बने हुए है। मगर योगी लोग योगी आदित्यनाथ को नहीं मानते हैं, मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ को मानते हैं। और गोरखनाथ गोरखपुर वो गोरखनाथ की परंपरा से जुड़ा हुआ है, और गोरखपुर और कुशीनगर एक साथ जुड़ा हुआ है जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। वो लाइन अगर काठमांडू के साथ जोड़ा जाए तो इंडिया और नेपाल वज्रयानी परंपरा के साथ जुड़ते हैं। ये हमारी प्राचीन परंपरा है, मगर महाराष्ट्र में जो कुर्मी लोग हैं इनको ब्राह्मण लोग आज तक इस्तेमाल किए। इस किताब के द्वारा ये जो शाक्त राज्याभिषेक पद्धति है उसका क्या विधि होता था, वज्रयानी परंपरा में उसका क्या रिचुअल है, इसके बारे में चर्चा की है। मगर जो पहला राज्याभिषेक है वैदिक राज्याभिषेक, इसके बारे में हमने सबूत ढूंढे और संशोधन में यह पाया गया कि राजा बनने के बाद 10 दिशाओं का पानी जल मटके में भरकर लाकर राजा के सिर पर डालते हैं, ये राज्याभिषेक का विधि है। ये वैदिक राज्याभिषेक विधि नहीं है, ये बौद्धों की रिचुअल है। राज्याभिषेक ब्राह्मण लोग अनसिविलाइज लोग है, ब्राह्मण लोग जंगली लोग है, उनके पास कौन सी सभ्यता है। राज्याभिषेक पद्धति भी बुद्धिस्टों की परंपरा से है। और जब बुद्ध बर्थ हुआ, राज्याभिषेक कहाँ से आया, लुम्बिनी से आया। बुद्ध का नाम, बुद्ध को दो विशेषणों से जाना जाता है, पाली भाषा में महापुरुषा यानी महापुरुष, और धम्म में बुद्ध। असित मुनि ने भविष्यवाणी किया था अगर ये गृहस्थी लाइफ में रहे तो ये कौन बनेंगे, धम्म राजा बनेंगे, ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर इन्होंने ग्रह त्याग किया तो ये महापुरुषा बनेंगे, बुद्ध बनेंगे। तो बुद्ध का जन्म होने के बाद उसका जलाभिषेक किया गया नाग राजाओं के द्वारा, बुद्ध का जलाभिषेक किया गया, ऐसे शिल्प गांधार तक है, केवल भारत या नेपाल में नहीं है। और यही बात सिस्टम, ये जो बात करने का, स्नान करने का सिस्टम ईसाई धर्म में भी पहुंचा, उसको बाप्तिस्मा कहते हैं, वो विधि है उनका। और हिस्टोरियन लोगों ने मान्य किया है, दूसरे हिस्टोरियन लोग छोड़ो, ईसाई धर्म के क्रिश्चियन लोगों के धर्मगुरु ने भी मान्य किया है, ये बाप्तिस्मा पद्धति बुद्धिज्म से हमने अडॉप्ट किया है। इसलिए ये रिचुअल, बुद्धिस्ट रिचुअल का स्टडी दुनिया, अमेरिका, लंदन के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये ओपिनियन है। दुनिया में जो सिविल सोसाइटी फैला वो इंडिया से फैला है, बुद्धिज्म से फैला है, मगर इंडिया और नेपाल में हमारे लोग ब्राह्मणिज्म में अपनी परंपरा ढूंढ रहे हैं। हमारी परंपरा ब्राह्मणिज्म में नहीं है, हमारी परंपरा यहाँ की नेटिव परंपरा है। उसके आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज का ओरिजिन बुद्धिज्म के साथ है। महाराष्ट्र के लोगों को भी मालूम नहीं है, नॉन महाराष्ट्रियन लोगों को भी आश्चर्य लगेगा ये सुनकर, उनकी माता जीजाबाई को जब बच्चा पैदा करना है, होता है वो पीरियड होता है, तो उन्होंने अपने बच्चे का जन्म पुणे जिले के पास जुन्नर गुफा है, 250 से ज़्यादा गुफा है, एक गुफा नहीं है, 250 से ज़्यादा,
भारत में सबसे ज्यादा गुफा पूना जिला में है, वो जुन्नर गुफा है। एक गुफा में जिजाऊ साहब ने अपने बच्चे को जन्म दिया, वो महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिनका जन्म ही गुफा में हुआ है, जिनका राज्याभिषेक ही बौद्ध परंपरा से हुआ है। वो ब्राह्मण धर्म का मजबूती के लिए विदेशी ब्राह्मण इस्तेमाल कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास 1% भी बाहर नहीं आया है। ओरिजिनल इतिहास लंदन की लाइब्रेरी में है। जो इतिहास नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण लिख रहे हैं, पुणे के ब्राह्मण लिख रहे हैं, वो फर्जी इतिहास है। उनको ग्लोबल लेवल पर शून्य मान्यता है, क्योंकि वो बखरों पर लिखा गया है। बखर यानि पोंगा पंथी, झूठ और किंवदंतियां है। जैसे पुराण है वैसे बखर है। बखर में कोई हिस्टोरिकल आधार नहीं है, कोई ईयर का भी कोई उसके अंदर साधन नहीं है, सारा गोलमाल हिस्ट्री है। इसलिए ये हिस्ट्री एक नए अध्याय को ओपन करेगा। आज मुझे गर्व हो रहा है कि शिवाजी महाराज का 350वां दूसरा राज्याभिषेक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामाया के इस भूमि पर, सिद्धोदन के इस भूमि पर और शाक्य मुनि बुद्धा की इस भूमि पर मना रहे। शाक्य मुनि बुद्धा और छत्रपति शिवाजी महाराज ये जेनेटिक एक ही है। और बॉम्बे गैजेट इविडेंस है, ब्रिटिश लोगों ने बॉम्बे गैजेट में लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज जो है वो मौर्या है, और कर्नल टॉड से हम उसकी सभी बातों से सहमत नहीं है, मगर कर्नल टॉड ने भी एनल्स ऑफ राजस्थान में लिखा है 14वीं 14वीं शताब्दी में मौर्यों की नस्ल महाराष्ट्र में गई थी। उसी नस्ल का एक राजा, महाप्रतापी राजा, भोसले घराने का राजा शिवाजी महाराज हुए है। शिवाजी महाराज मौर्य खानदान के है, यानी शाक्य है, मौर्य भी शाक्य है और बुद्धा भी शाक्य है। इसलिए महाराष्ट्र के शाक्य शिवाजी महाराज को और यहाँ पैदा हुए शाक्य मुनि बुद्धा को ज्वाइन किया अगर देखेंगे तो हमारा वास्तविक इतिहास सामने आएगा। धन्यवाद देता हूँ मिश्रम साहब को, उन्होंने इस ट्रेनिंग कैंप में हमें ये प्रकाशन करने के लिए अलाउ किया। और उन्होंने मुझे निजी तौर पर यह भी कहा कि हम ऑल इंडिया में ये 350वां शाक्य राज्याभिषेक केवल महाराष्ट्र में नहीं ऑल इंडिया में मनाएंगे। इसके लिए मैं मेश्राम साहब को धन्यवाद देता हूँ।